नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कल 30 मई 2024 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए। और सबसे पहले पंचांग की बात करते हैं। कल ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और ये सप्तमी तिथि 11:44 प्रातःकाल तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में 7:31 प्रातःकाल तक रहेंगे। उसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा। वैधृति योग 8:43 रात्रि तक रहेगा। उसके बाद विषकुंभ योग का प्रारंभ होगा। भव करण 11:44 प्रातःकाल और बालव करण 10:42 तक रहेंगे रात्रि। और चंद्रमा कल पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रारंभ करते हैं मेष लग्न वाले जातकों। देखिए, स्वास्थ्य आपका कल के दिन अति उत्तम रहने वाला है और कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता कल के दिन में मिलेगी। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति जो रहेगी वो पहले के रिस्पेक्ट में मजबूत होते हुए दिखाई देगी। समाज में मान सम्मान आपका बनेगा और नौकरी से जुड़े हुए जातकों को अपने वरिष्ठों का सहयोग भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। जीवन साथी का सहयोग कुल मिलाकर प्राप्त होने वाला है और 80% तक का दिन आपके लिए कल का अच्छा व्यतीत होगा। शुभ अंक 5 और शुभ रंग सफेद बन रहा है। उपाय के लिए माँ दुर्गा को लाल रंग का अगर पुष्प अर्पित करते हैं तो दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव कल के दिन रह सकता है, जिसे आपको स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आर्थिक समस्याएं समाप्त होगी और परिवार वालों के साथ खुशी की अनुभूति भी होगी। जीवन साथी से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। प्रेम लाइफ में जीवन साथी जो आपके हैं, लव रोमांस करने की जो स्थिति है वो आपके लिए कल अच्छी रहेगी और आप किसी कार्य को नए सिरे से आरंभ करने का भी कल के दिन विचार करते हुए देखेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 77% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 7 और जो शुभ रंग है वो स्लेटी बन रहा है। उपाय के लिए हनुमान जी को अगर आप लड्डू चढ़ा देते हैं तो दिन आपका श्रेष्ठ बीतने वाला है। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पैरों में या घुटनों के दर्द के कारण आप कल पूरे दिन परेशान रह सकते हैं। व्यापार में कुछ बदलाव की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है और साझेदारी के कार्यों में भरपूर लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। माता पिता के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी के साथ घूमने की योजना सकते हैं अच्छी है। आपको कल में लेकिन कल का दिन आपके लिए 75% तक अच्छा है। शुभ अंक 6 और शुभ रंग केसरिया बन रहा है। उपाय के लिए पीपल के पेड़ की 21 बार परिक्रमा कल के दिन कर लेना चाहिए। कार्य चलते रहे। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन आपके लिए मध्यम फलदायक सिद्ध होगा। नौकरी में पदोन्नति के सिद्धि के भी बन रहे का मतन हमने ना जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया व्यवसाय आरंभ करने का नया प्लानिंग बना सकते हैं। लव रोमांस में दूरियां बढ़ने की संभावना ज़्यादा दिख रहा है लेकिन करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपका स्वास्थ्य ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर कल का दिन 72% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग नीला बन रहा है। उपाय के लिए गाय को हरी घास अगर आप खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा दिन बीतेगा। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कल का दिन अच्छा रहेगा। किसी व्यवसाय को आरंभ करना चाहते हैं तो दिन बिल्कुल श्रेष्ठ है। आप नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। कल के दिन उधार देने से बचें क्योंकि पैसे मिलने की संभावना
बहुत कम रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर आप भ्रमण के लिए जा सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ सचेत भी आपको रहना चाहिए। लव रोमांस सामान्य रहेगा और छात्रों का पढ़ाई के प्रति रुझान कल के दिन बढ़ता हुआ दिख रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगी और कल कुल मिलाकर 79% तक का दिन अच्छा रहेगा। कल का जो शुभ अंक है वो 9 और शुभ रंग पीला बन रहा है। उपाय के लिए आपको जल में लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अगर आप अर्पित करेंगे तो दिन आपका अच्छा बीतेगा। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य ओवरऑल अच्छा रहने वाला है और लंबे समय से चल रही बीमारियों से भी राहत आपको मिलेगी। कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए जातकों को उनके उम्मीद से ज़्यादा लाभ होने की संभावना कल दिख रही है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलेगा। परिवार में थोड़ी अनबन की संभावना भी कल हो सकती है। जीवन साथी आपसे विचार विमर्श कार्य प्रारंभ करना चाहेंगे और लव रोमांस में मधुरता बनी रहेगी। दिन भी अच्छा है, 85% तक का दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। शुभ अंक 5 और शुभ रंग गुलाबी बन रहा है। उपाय के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर कुछ मीठा अर्पित कर दें जिससे कि दिन आपका अच्छा बीतेगा। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए तुला लग्न वाले जातकों को स्वास्थ्य के प्रति कल के दिन सचेत रहिए। कार्य क्षेत्र में धन लाभ के नए स्रोत प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके द्वारा की गई मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। परिवार में सुख शांति का जो माहौल है वो बना रहेगा। विवाहित जातक अपने दाम्पत्य जीवन में हालांकि थोड़ा निराश महसूस करेंगे। लव रोमांस मधुर रहेगा। कुल मिलाकर 74% तक का दिन आपके लिए फेवर में है। कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग भूरा बन रहा है। उपाय के लिए शनि देव को सरसों का तेल अगर आप अर्पित करते हैं तो दिन अच्छा रहेगा। अगले लग्न की बात करते हैं, वृश्चिक लग्न। देखिए कल स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में सदस्यों के साथ किसी मांगलिक समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं। कार्य व्यवसाय में आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होते हुए दिख रही है और रुके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है। लव रोमांस में किसी बात को लेकर जो प्रेमी और प्रेमिका है उनके बीच में मनमुटाव हो सकता है और आपसी समझ से गलतफहमियों को आपको दूर कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर 78% तक का दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। कल का शुभ अंक 2 और शुभ रंग ग्रे बन रहा है। उपाय के लिए विद्यार्थियों में पढ़ाई से संबंधित कुछ वस्तुओं का अगर आप दान कर दें तो दिन अच्छा रहेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए मानसिक रूप से कोई समस्या अकस्मात कल हो सकती है। मन किसी बात को लेकर बेचैन रहेगा और अशांति भी महसूस करेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी और उचित धन लाभ की प्राप्ति भी कल के दिन स्पष्ट रूप से मिलने वाली है। व्यापार कर रहे जातकों के लिए समय अनुकूल है और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में आप सफल भी रहने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ जो रहेंगी वो बढ़ेंगी और सामाजिक स्तर पर आपके सक्रियता जो रहेगी उसका स्तर बढ़ सकता है। कार्यों में सहभागिता के लिए समय अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 79% तक आपके लिए भी अच्छा है। शुभ अंक 7 और शुभ रंग मैरून बन रहा है। उपाय के लिए गायत्री मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। अब हम बात करेंगे मकर लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका दिन अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्थिति सुखद रहेगी। कार्य व्यवसाय में कुछ रुकावटों के बाद लाभ प्राप्त होता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आर्थिक स्थिति में परिस्थितियां पहले से बेहतर हो जाएंगी। लव रोमांस सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए जो समय है आपके अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कल का दिन जो रहने वाला है 76% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग आसमानी बन रहा है। उपाय के लिए ओम भास्कराय नमः का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। देखिए स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। कार्यस्थल की स्थिति जो रहेगी वो अच्छी रहेगी, लेकिन किसी प्रकार का उतार चढ़ाव कल दिन भर लगा रहेगा। सहकर्मियों का सहयोग भी प्राप्त होगा और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी।
जो विरोधी रहेंगे वो आपसे मुकाबला करने में असक्षम रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो भी जातक कर रहे हैं उनको सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना दिख रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 80% तक के लिए आपका अच्छा रहने वाला है। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग नारंगी बन रहा है। उपाय के लिए भगवान श्री कृष्ण को कुछ माखन चढ़ा दीजिए या मिश्री का भोग चढ़ा देते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यतीत होगा दिन। मीन लग्न की बात करते हैं। देखिए, कार्यों की अधिकता के कारण आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से थकान महसूस कल के दिन कर सकते हैं। अपने सेहत पर बहुत ध्यान दीजिए। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। कार्य व्यवसाय में सहकर्मियों का सहयोग मिलता रहेगा। रुके हुए कार्यों की पूर्ति भी कल के दिन आपको मिलेगी और नौकरी में पदोन्नति की संभावना भी दिखाई दे रही है। कार्य व्यवसाय को लेकर यात्रा के योग बनते हैं। भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। वाहन चलाते समय सावधानी निश्चित रूप से बरतना चाहिए। कुल मिलाकर कल का दिन 75% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग हरा बन रहा है। उपाय के लिए मछलियों को आटे की गोलियां अगर आप खिलाते हैं तो दिन आपका अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा